नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि घर बनाते समय हमें कौन कौन सी 10 गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको प्रैक्टिकल तरीके से बहुत कुछ देखने और सीखने को मिल जाएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो घर बनाने से पहले आपको घर की प्लानिंग करनी चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि घर की प्लानिंग क्या होती है। तो यदि हम प्लानिंग की बात करें तो आपने देखा होगा कि घर बनाने से पहले बहुत सारे लोग कुछ इस तरीके से घर का होम प्लान यानी कि घर का नक्शा बनवाते हैं। प्लानिंग करने से इस बात की जानकारी हो जाती है कि घर का टोटल एरिया कितना है और इसके साथ साथ टोटल कितने रूम है और रूम का साइज क्या है। तो प्लानिंग करने से पहले आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी जरूरत क्या है। यदि आप अपनी जरूरत के हिसाब से घर की प्लानिंग कराएंगे तो घर बनाने का जो लेबर चार्ज होगा, मटेरियल चार्ज होगा, वो मिनिमम होगा, यानी कि घर बनाने में आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा। सेकंड पॉइंट की बात करें तो फाउंडेशन डेप्थ यानी कि नींव की गहराई। तो घर बनाने से पहले आप ये सुनिश्चित कर लीजिए कि जिस घर को आप आज ग्राउंड फ्लोर बना रहे हो, इन फ्यूचर उस घर को आप ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर या फिर थर्ड फ्लोर या फिर फोर्थ फ्लोर कितनी ऊँचाई तक बनाना चाहते हो। आप जिस ऊंचाई का घर बनाना चाहते हो उसी ऊंचाई के हिसाब से आप फाउंडेशन की डेप्थ रखिए। फाउंडेशन की डेप्थ यानी कि गहराई को लेकर बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि 3 फीट फाउंडेशन की गहराई रखते हैं और फ्यूचर में यदि उनको ज़रूरत पड़ी तो उसी पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर बना लेते हैं। सो ओवरऑल आपको फाउंडेशन की गहराई उसी हिसाब से रखनी है जितने फ्लोर का आप घर बनाना चाहते हो। थर्ड पॉइंट की बात करें तो प्लिंथ बीम बनाने के बाद प्लिंथ बीम के नीचे कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा कि खाली जगह छूट जाती है। तो प्लिंथ बीम के ऊपर कोई भी निर्माण कार्य करने से पहले, जैसे दीवार या फिर डोर लगाने से पहले, बीम के नीचे बची हुई इस जगह में मिट्टी अच्छे से फिलअप करनी चाहिए। बट बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि प्लिंथ बीम में अच्छे से मिट्टी का फिलअप नहीं करते और बिना मिट्टी भरे ही कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि दीवार बनाना शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दीवार बना दी गई है बट प्लिंथ बीम के नीचे आप देख सकते हैं कि खाली जगह बची हुई है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। फोर्थ नंबर पॉइंट की बात करें तो घर में मिट्टी भरते समय आपको इस बात का ध्यान देना है कि कभी भी आपको प्लिंथ बीम के ऊपर मिट्टी की फिलिंग नहीं करनी है। यदि आप प्लिंथ बीम के ऊपर मिट्टी की फिलिंग करते हैं तो मिट्टी ईंट से टच होती है और मिट्टी के अंदर जो नमी होती है उस नमी यानी कि मॉइस्चर को ईंट अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है यानी कि खींचने लगता है, जिससे वाल यानी कि दीवार में सीलन आ जाती है। तो घर के अंदर मिट्टी की फिलिंग करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको कभी भी प्लिंथ बीम के ऊपर मिट्टी की फिलिंग नहीं करनी है। और यदि आप वाल में डीपीसी लेयर बनवा रहे हैं तो डीपीसी लेयर के नीचे ही मिट्टी की फिलिंग होनी चाहिए। फाइव नंबर पॉइंट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉलम में क्रैकिंग आ गई है। तो यहाँ पर कॉलम में क्रैकिंग आने का मेन रीज़न यही है कि कॉलम में सही से कवर ब्लॉक नहीं लगाया गया, जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि कॉलम में लगने वाली स्टील बिल्कुल किनारे की तरफ चली गई और कॉलम के कॉर्नर पर कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि स्टील के बगल से क्रैकिंग आना स्टार्ट हो गई। तो कॉलम की कंक्रीटिंग करने से पहले आप ये चेक कर लीजिए कि कॉलम में सही से कवर ब्लॉक लगा है या नहीं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कॉलम में कवर ब्लॉक लगाया जाता है। सिक्स नंबर पॉइंट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विंडो के कॉर्नर से दीवार क्रैक होना स्टार्ट हुई और स्लैब के बॉटम तक पहुँच गई। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में ऐसा ना हो तो विंडो या फिर डोर लगाने के बाद विंडो या फिर डोर के ऊपर आपको कुछ इस तरीके से लिंटर बनाना है। यदि आप विंडो या फिर डोर के ऊपर कुछ इस तरीके से लिंटर बनाएंगे तो विंडो या फिर डोर का जो कॉर्नर होता है कुछ इस तरीके से क्रैक नहीं होगा। सेवन नंबर पॉइंट की बात करें तो आपने देखा होगा कि कंक्रीटिंग करने के बाद कई बार कुछ इस तरीके से हनीकॉम आ जाता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके घर के कॉलम बीम या फिर किसी भी कंक्रीट के स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीके का हनीकॉम ना आए तो इसके लिए आप सीमेंट सैंड एग्रीगेट और वाटर का जो रेशियो है उसको आप परफेक्ट रखिएगा। और इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कंक्रीटिंग करते समय आपको वाइब्रेटर का उपयोग जरूर से जरूर करना चाहिए। वाइब्रेटर का उपयोग ना करने से कंक्रीट में कुछ इस तरीके से हनीकॉम के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए आपको वाइब्रेटर जरूर से जरूर उपयोग करना है। वाइब्रेटर कंक्रीट को अच्छे से बैठा देता है, जिसका रीज़न ये होता है कि कंक्रीट अच्छे से फिल हो जाती है।
एट नंबर पॉइंट की बात करें तो आपने देखा होगा कि स्लैब में कुछ इस तरीके की सीलन आ जाती है। तो स्लैब में आने वाली सीलन का जो सबसे बड़ा रीजन है कि स्लैब में अच्छा स्लोप ना होना। एग्जाम्पल की बात करें तो आप इस स्लैब को देख सकते हैं कि बारिश होने के बाद स्लैब के इस वाले एरिया में पानी जो है स्टोर हो रहा है, यानी कि पानी रुक रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि स्लैब बनाते समय इस वाली स्लैब पर अच्छा सा स्लोप नहीं दिया गया। यदि इस स्लैब का स्लोप अच्छा होता तो बारिश का पानी पाइप के रास्ते नीचे निकल जाता। तो बहुत सारे मिस्त्री लोग ये गलती करते हैं कि स्लैब बनाते समय अच्छा स्लोप नहीं देते, जिसका दुष्परिणाम ये होता है कि बारिश होने के बाद स्लैब के ऊपर पानी इकट्ठा हो जाता है। तो यदि आपकी स्लैब में बारिश का पानी इकट्ठा होगा तो जाहिर सी बात है कुछ इस तरीके से स्लैब में सीलन आ जाएगी। तो स्लैब बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि जिस तरफ आपको बारिश का पानी ले जाना है उस तरफ स्लैब का अच्छा सा स्लोप होना चाहिए। नाइन्थ नंबर पॉइंट की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर बनाने के बाद स्लैब के ऊपर कुछ इस तरीके से कॉलम का सरिया निकाला जाता है। तो बहुत सारे मिस्त्री लोग यह गलती करते हैं कि कॉलम का जो सरिया होता है वो बहुत थोड़ा सा निकालते हैं, और कुछ मिस्त्री निकालते ही नहीं हैं, जिसका दुष्परिणाम ये होता है कि फर्स्ट फ्लोर का कॉलम बनाने से पहले ग्राउंड फ्लोर की स्लैब में कुछ इस तरीके से ड्रिल करके कॉलम के सरिये को बाहर निकाला जाता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप जिस समय ग्राउंड फ्लोर का स्लैब बना रहे हो उसी समय आप कॉलम के सरिये की ऊंचाई इतनी रखिए कि ग्राउंड फ्लोर बनने के बाद कम से कम 1 मीटर का सरिया आपके ग्राउंड फ्लोर के छत के ऊपर निकलना चाहिए। 10th नंबर पॉइंट की बात करें तो आपने देखा होगा कि दीवार के किसी कॉर्नर पर कुछ इस तरीके से ईंट को आगे पीछे करके निकाल दिया जाता है। तो इस आगे पीछे वाली ईंट का यही मतलब होता है कि अभी हमें इसी दीवार से सटाकर एक और दीवार बनानी है। तो घर की दीवार बनाते समय आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि यदि आपको किसी दीवार से सटकर इन फ्यूचर में कोई दूसरी दीवार बनानी है तो वहां पर आप कुछ इस तरीके से टूथिंग करा देंगे, क्योंकि यदि आपकी दीवार में कुछ इस तरीके से आगे पीछे करके ईंटें लगी होंगी तो दूसरी दीवार जोड़ने पर इस दीवार के ज्वाइंट पर क्रैक नहीं आएगा। और यदि आपने दीवार में टूथिंग नहीं रखी तो आगे चलकर जब आपको पुरानी दीवार में नई दीवार जोड़ने की जरूरत होगी तो पुरानी दीवार को आपको कुछ इस तरीके से तोड़ना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुरानी दीवार तोड़ी जा रही है, पुरानी दीवार को तोड़कर इसी में नई दीवार जोड़ी जाएगी। तो घर बनाते समय आपको इन्हीं 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट का जरूर से जरूर ध्यान रखना चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो के लिए 500 लाइक का एक छोटा सा लाइक टारगेट रखते हैं, उम्मीद है आप लोग कंप्लीट करा देंगे। यदि आप सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड इस बुक को फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस बुक को डाउनलोड करने का लिंक इंस्टाग्राम के बायो में है और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लीजिएगा और इसके साथ साथ इस फ्री बुक को डाउनलोड कर लीजिएगा। और यदि आपको घर का नक्शा बनवाना है तो आप हमारी कंसल्टेंसी में कॉन्टेक्ट करके घर का नक्शा बनवा सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं, धन्यवाद।